Hello everyone, I am Bhavita Mishra, your maths teacher. Today I am going to teach class 4th maths lesson 3 and the topic is addition. Addition में आपका word problems चल रहा है तो word problems में आज मैं और question आपको कराऊंगी. Exercise 3.2 3.2 चल रहा है जिसमें अभी तक मैंने और भी कई question पिछले video में कराया है. आज मैं आपको और एक दो क्वेश्चन कराती हूँ. सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन. संचित बॉट अ कंप्यूटर अ टेलीविजन सेट एंड सम डायमंड ज्वेलरी. इफ ही पेड रुपीज 25,735 रुपीज पर
10. Find the sum of the greatest 3-digit number, greatest 4-digit number and smallest 5-digit number. ठीक, आप क्या करना है, सबसे पहले आप ये जान लें कि greatest 3-digit number क्या है. तो ये greatest 3-digit नंबर इसका तो 3-digit नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, 3-digit तो 9 9 9 ये हो गया. अब सेकंड क्या है, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 0, तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 की उसके बाद 4-0, 1 2 3 4, ये 5-digit हो गया ना, 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट 5-digit का नंबर ये हो गया. अब इन तीनों को क्या करना है, फाइंड द सम. सम का मतलब क्या हुआ, ऐड करना. यही अगर फाइंड द डिफरेंस होता तब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वहाँ होगा सब्ट्रैक्शन या माइनस. यहाँ हमको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, मीन्स प्लस करना है. अब स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 क्या होगा, 18 18 का 8 1 ये आ गया ऊपर आपका, फिर 9 9 18 और एक और ऐड करेंगे 19 19 के यहाँ 9 किए 1 ये आ गया, फिर 9 9 18 और एक और ऐड करेंगे 19 19 9 1 आ गया यहाँ. अब 9 और 1 10, 10 0 10 ही होगा, 10 का 0, 1 यहाँ आ गया, 1 और 1 क्या होगा, 2. ये आपका क्या है, आंसर. फाइंड द सम, तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू ये 20,998. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद उसको करिए. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम मीन्स आपको सम निकालना है, किसका निकालना है, ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. इज दैट क्लियर, तो हमें सम करना है किसका, सबसे पहला क्या है, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, 3-digit नंबर हमने कर लिया है ना, 3-digit नंबर की 9 9 9, फिर 4-digit नंबर, 4-digit नंबर कर लिए 9 9 9 9, उसके बाद स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, तो 1 की 0 0 0 0, स्मॉलेस्ट नंबर जैसे 5-digit का था तो 1 करके 4 0, ये अगर 4-digit होता तो 1 करके 3 0 करते है ना. अब इन तीनों को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद ये आपका आंसर आता है. तो चिल्ड्रेन आज के लिए इतना ही, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो वर्ड प्रॉब्लम आज हम 3.2 कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज. अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेसन 4 स्टार्ट करेंगे. तो चिल्ड्रेन आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स पर कर सकते हैं. हैव यू एनी प्रॉब्लम, तो मैं सॉल्व कर दूंगी आपके प्रॉब्लम्स. ठीक है चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.